नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पवन जल्लाद कभी भी हाथरस जा सकता है, वो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहता है। एक चैनल से बात करते हुए पवन का कहना है कि पीड़िता की मौत की खबर सुनकर वो बेचैन है। पवन जल्लाद का कहना है कि मैंने निर्भया की मां को देखा है, उस दर्द को भी देखा है जो फांसी से पहले तक उनके चेहरे पर झलकता था। मैं समझ सकता हूं उस दर्द और बेबसी को जिसकी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो और वो मजबूर होकर कुछ कर भी न सके। निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद ने चैनल को बताया कि हाथरस पीड़िता की मौत के बाद से जो मेरा हाल है वो मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं खुद भी पीड़िता की माँ और उसके परिवार वालों की तरह मजबूर हूँ। जैसे वो परिवार अपनी बेटी की चिता भी नहीं सजा सका, ठीक वैसे ही मैं भी करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कानून की भी अपनी मजबूरियां हैं। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के संग हुई दरिंदगी की दास्तां पवन जल्लाद के कानों तक भी पहुंच चुकी है। पीड़िता का हाल सुन पवन जल्लाद गुस्से में है। हाथ की बाहें फुलाते हुए पवन जल्लाद कहता है, अभी इन हाथों में बहुत जान है, ऊपर वाले ने चाहा तो इन चारों को भी अंजाम तक पहुँचाऊंगा। मौका मिले तो मैं आज ही इनके लिए फंदा तैयार कर सकता हूँ। उस लड़की की माँ से मेरा वादा है कि मैं इस हालात में हमेशा उसके साथ हूँ। हाथरस की खबर सुनने के बाद पवन जल्लाद भी सदमे में है और उसने कहा है कि इस हालात में मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।